अपने सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया हूं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डिसिप्लिन क्या है और डिसिप्लिन का हमारी लाइफ के ऊपर क्या असर है। इसमें हम देखेंगे कि हम क्या चीज है जो बचपन से पैदा होने के फौरन बाद से हम सीख रहे हैं। इसमें हम कुछ एग्जांपल के साथ देखेंगे कि क्या चीजें हैं, किन चीजों को देख के हम इंप्रेस होते हैं और हमें पता नहीं है कि ये क्या है। इससे हम देखेंगे कि डिसिप्लिन के साथ हम कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, इज्जत कैसे हासिल करते हैं। ओके गाइज, इससे पहले कि हम अपना ये एक छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, हम सब जानते हैं कि डिसिप्लिन का हमने बड़ा नाम सुना है। डिसिप्लिन क्या है? हमारे कायदे मोहतरम ने भी फरमाया कि नज़्मो ज़ब्त एक हमारा अहम रुकन है। कोई भी रिलीजियस, किसी भी रिलीजन में नज़्मो ज़ब्त, डिसिप्लिन एक अहम चीज है। डिसिप्लिन एक नज़्मो ज़ब्त, एक तौर तरीका, एक सलीके को कहते हैं हम, एक सलीके के साथ काम को करना, सलीके के साथ अपनी लाइफ को गुजारना, एक डिसिप्लिन एक तरीके के साथ, एक लाइन ऑफ एक्शन के साथ, एथिक्स के साथ अपनी लाइफ को गुजारना, असूलों एक प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, उन प्रिंसिपल्स के ऊपर लाइफ गुजारना, इसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। दोस्तों, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से हम डिसिप्लिन सीख रहे हैं। हमारे मां बाप हमें उंगली पकड़ के चलाते हैं, कहते हैं बेटा इस लाइन पे रहना है, इस साइड पे रहना है, बेटा ये काम गलत है, ये नहीं करना, बेटा अच्छे बच्चे ऐसे काम नहीं करते, ये सब चीजें, अच्छे बच्चे ऐसा काम नहीं करते, इस लाइन पे चलना है हमने, बेटा ये काम करना है आपने, इस आदत को अपनाना है, वो क्या हो रहा है, वो सब डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। और उस वक्त बचपन से लेके हम सीखना शुरू होते हैं, जो जो चीजें सीख रहे हैं हमारी हैबिट्स बनती जा रही हैं, हमारी हैबिट्स बनती जाएंगी और उन हैबिट्स को हम वक्त के साथ इंप्रूव करेंगे। जब इंप्रूव करेंगे तो हम अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करेंगे, हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होगी डिसिप्लिन के साथ। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं दो तीन चीजें, अगर हम देखें अपनी लाइफ में, हम लोग देखते हैं कि आर्मी को देखते हैं हम, बेल्ट फोर्स है आर्मी, हाउ वाज हिज डिसिप्लिन यार, हमें उनका डिसिप्लिन पसंद आता है। वो जब एक डिसिप्लिन के साथ एक सेम यूनिफॉर्म पहना होता है, उस सेम यूनिफॉर्म को देखकर हमें बड़ी खुशी मिलती है, यार क्या जबरदस्त यूनिफॉर्म है यार। और फिर हर बंदे का यूनिफॉर्म एक डिसिप्लिन के साथ है, अगर लगी है विसल लगी है तो यहां पे लगी है, टैग्स लगे हैं तो यहां पे लगे हैं, नेम प्लेट लगी है तो लगी है, हर चीज एक डिसिप्लिन के साथ वेल यूनिफॉर्म्ड होता है, उनका पसंद आता है, जो चीज अच्छी लगती है वो पसंद आती है हमें। उसके बाद उनका डिसिप्लिन देख लें, वो कैसे अपने सीनियर जूनियर की रिस्पेक्ट करते हैं, वो कैसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं अपने सीनियर्स की, दिस ऑल इज अबाउट डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन ही है जो किसी भी यूनिफॉर्म फोर्स को एक यूनिटी बनाता है और एक ताकत बनाता है। यही ताकत आप अपने अंदर पैदा करेंगे, कैसे, जब आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा करेंगे, जब आप अपने अंदर लाइफ गुजारने के लिए अपने अंदर ताबेदारी पैदा करेंगे। कोई भी आपको, आपका सीनियर कहता है कि यार ये काम कर दो, कहो यस सर, आई एम ओबीडियंट, ओके सर, ताबेदार। जब कोई आपका सीनियर आपको कहता है, जब कोई तजर्बाकार आपको कहता है यार ये चीज ऐसे करो तो ठीक है, आपने कहना यस सर, ठीक है सर, हो जाएगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। मॉरली आप जब ये काम करेंगे तो आप लाइफ में कामयाबी हासिल करेंगे। सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा? सेल्फ कंट्रोल के लिए याद रखें, हमें हमारी बॉडी को एक्टिव रखना है, चाको चौबंद रखना है। उसके लिए क्या करेंगे? डेली एक्सरसाइज करेंगे, डिसिप्लिन का हिस्सा है, याद रखें हमारे डिसिप्लिन का हिस्सा, किसी भी चीज के डिसिप्लिन का हिस्सा है कि आप चाको चौबंद रहें, एक्टिव रहें, फिट रहें, उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज करेंगे, अपने सीनियर और एक किसी भी तजर्बाकार शख्स की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे ताकि हम कामयाब हो सकें।
ये सेल्फ कंट्रोल है। इसके अलावा मैं आप दोस्तों को बताता हूं, देखें हम जब कभी देखें किसी राइटर को देख लें, यार ज्यादा दूर नहीं जाएं, किसी राइटर को देख लें, हर शख्स बुक्स पढ़ रहा है बचपन से लेके अब तक पढ़ रहा है, उस बुक्स में हम देखते हैं कि कैसे वो कैसे स्टोरी राइटिंग करता है। पहले वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वो कुछ माहौल कुछ तमहीद बांधता है, फिर उसके आगे लेके जाता है मेरिट्स डीमेरिट्स को जाता है, फिर एंड पे थोड़ा सा रिजल्ट देके कंक्लूजन निकालता है। ये क्या है, किसी भी चीज को एक डिसिप्लिन के साथ लेके जाने में उस चीज की कामयाबी है और आपकी कामयाबी है। याद रखें, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं तो हमें डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। जब हम डिसिप्लिन के ऊपर अपनी हैबिट्स को ग्रूम करेंगे तो वो हमारे प्रिंसिपल्स बन जाएंगे, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम कामयाबी की तरफ जाएंगे, अपने गोल अचीव करेंगे। एक छोटा सा एक और आपको बताऊं, देखें ये जो डिसिप्लिन होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल के साथ। आप जितना सूलों को फॉलो करेंगे उतनी ज्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। याद रखें, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आए। सीरीज प्रोग्राम है सर इसमें, इंशाल्लाह ताला हम आपको इसके इन फ्यूचर मुख्तलिफ रूल्स भी बताएंगे और इसके आगे फर्दर जो जो हम बता सकेंगे वो करेंगे इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके गाइज, अगली वीडियो तक अपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दीजिए, स्टे ट्यून्ड विद मी, अल्लाह हाफिज़।